यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब क्या है? देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक मैंने आपको बताया कि रिफॉर्मेशन नहीं होगा। देयर विल नो रिफॉर्मेशन, नो रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या, ये दो बॉडी थी, ये M1, ध्यान से समझो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, U1 वेलोसिटी से जा रही थी, ये M2 थी, ये U2 वेलोसिटी से जा रही थी। पीछे वाली तेज चल रही है, आगे वाली धीरे चल रही है, क्या होगा? टक्कर होगी। बिल्कुल सही बात है। टक्कर होने के बाद ये बॉडी इसके साथ आके टक्कर करी और टक्कर करके दोनों डिफॉर्म हुई। बॉडी, दोनों बॉडी क्या हुई? डिफॉर्म हुई। डिफॉर्म होने के बाद रिफॉर्म हुई ही नहीं, इसका मतलब चिपक के ही चलती रही। डिफॉर्म, देखो, अगर दूर होंगी तो रिफॉर्मेशन दोबारा आएगा। अगर दो बॉडी आके टकराती हैं, जैसे मान लो ये बॉडी जा रही है, बॉडी आ जाए, टकराई, डिफॉर्म हुई दोनों बॉडी, अब जब ये एक दूसरे से दोबारा हटती हैं तब रिफॉर्मेशन होता है। उसका मतलब क्या है? रिफॉर्मेशन होना। समझ में आई मेरी बात? अगर वो दूर ही नहीं गई तो रिफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। इसका मतलब टक्कर मारने के बाद दोनों बॉडी साथ चिपक के चलने लगी, ऐसे कुछ, ऐसे डिफॉर्मेशन आ गया, ऐसा कुछ हो गई बॉडीज, समझे? तो ये M1 वाली बॉडी थी, ये M2 वाली बॉडी थी, और ये चिपक के चल रही है V वेलोसिटी से। ये अलग हो ही नहीं रही, ये डिफॉर्म हो ही नहीं रही, सॉरी रिफॉर्म हो ही नहीं रही, डिफॉर्म हो गई जितनी होनी थी, तो मैक्सिमम डिफॉर्म हो चुकी है ना, रिफॉर्मेशन कुछ हुआ ही नहीं। तो बस ऐसे ही, तो हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? M1 प्लस U1 प्लस M2 प्लस U2 इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? M1 प्लस M2 टोटल मास V। इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल वेलोसिटी आ गई मेरे पास M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 दोनों की। अच्छा, एक बात और, यहां पर E की वैल्यू क्या होगी, सोच समझ के बताओ। देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, टक्कर मारने के बाद सेपरेशन होने की वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो E की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मैंने आपको बताया जीरो होती है, फॉर इलास्टिक ई की वैल्यू 1 होती है, और ई की वैल्यू 0 से 1 होती है इन इलास्टिक में। प्रैक्टिकल रियल लाइफ में हमें इन इलास्टिक देखने को मिलता है, ठीक है ना? सही है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है कहीं से कहीं तक, है ना? तो क्या बन गया? तो हम लॉस निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया और मैक्सिमम आया, देखो लॉस। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल कितनी है? हाफ दोनों का मास M1 प्लस M2 और V का स्क्वायर। बोलो, समझ में आई? तो लॉस होगा, यही तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। लॉस कितना आया? हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ M1 प्लस M2 और वी अभी निकाला है M1 U1 प्लस M2 U2 का होल स्क्वायर और नीचे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। बोलो, समझ में आई बात? ऊपर वाले एक M1 प्लस M2 से नीचे वाला एक M1 प्लस M2 कट गया, एलसीएम लिया, लॉस कितना आ गया? एलसीएम लेने के बाद लॉस की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, ठीक है? देख लेते हैं एक बार, एलसीएम लेने के बाद लॉस की वैल्यू क्या आएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, एलसीएम लेने के बाद लॉस की वैल्यू क्या आई? M1 प्लस एलसीएम ले लिया, M1 प्लस M2 आ गया, हाफ कॉमन ले रखा, एलसीएम ले लिया M1 प्लस M2। चलो ऊपर देखते हैं क्या माजरा हो रहा है। हाँ जी, M1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ M1 U1 स्क्वायर, तो M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर बन गया। M2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ M1, तो M1 M2 U1 स्क्वायर बन गया। कोई टर्म छूटे ना? M1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ M2, तो M1 M2 U2 स्क्वायर बन गया। M2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ M2, तो M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर बन गया। माइनस है बीच में, स्क्वायर कर दो, M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर प्लस 2 M1 M2 U2 U1 U2 है ना? अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर भाई, तो करोगे तो आएगा माइनस M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर
और साथ ही साथ आएगा, माइनस टू एम वन एम टू यू वन यू टू, यही आएगा नहीं आएगा। एम वन स्केयर यू वन स्केयर से एम वन स्केयर यू वन स्केयर कट गया, एम टू स्केयर यू टू स्केयर से एम टू स्केयर यू टू स्केयर कट गया, लॉस की वैल्यू क्या आ गई, एम वन एम टू एम वन एम टू एम वन एम टू कॉमन ले लो, नीचे डबल एम वन प्लस एम टू लिखा हुआ है, ऊपर क्या बचा, हाँ जी कॉमन एम टू तो कॉमन चला गया, यू वन स्केयर प्लस यू टू स्केयर माइनस टू यू वन यू टू यानी यू वन माइनस यू टू का होल स्केयर, बात को ध्यान रखेंगे, दिस इज लॉस एंड दिस इज मैक्सिमम लॉस, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस। बोलो समझ में आई बात, दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, समझे, खत्म हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी।